नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूँ अशोक तिवारी। इस वक्त ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बम्पाली में हैं हम। और यदि हम ज्ञान ज्योति विद्यालय की बात करें तो शुरू से ही कुछ खास करने के लिए जाना जाता है विद्यालय। और अब की बार यदि मैं बात करूँ तो ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय अपना 17वां एनुअल डे सेलिब्रेशन ज़बरदस्त तरीके से अब की बार मना रहा है। तमाम विद्यालय के बच्चे नीचे में हम देख रहे थे, रिहर्सल वगैरह भी कर रहे हैं। सर से जानेंगे, चूँकि एक कार्ड मिला है और उस कार्ड पे संस्कार लिखा हुआ है, तो संस्कार लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है, किस तरह का आपकी बार ये लोग अपना वार्षिकोत्सव समारोह कैसे मनाएंगे, संस्कार का मतलब क्या हुआ। हमारे साथ से जुड़े हैं विद्यालय के निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य विजय जैन सर, स्वागत है सर। कैसे हैं? नमस्कार, बहुत अच्छे हैं सर। अभी कार्ड आपका देखा हमने, चूँकि कार्ड पे संस्कार लिखा हुआ है। हालांकि शुरू से ही ज्ञान ज्योति डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कार्यक्रम हमेशा से करते आ रहा है, इस बार क्या होने वाला है, चूँकि तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, संस्कार का मतलब क्या हुआ और संस्कार कार्ड पर लिखा गया है, मतलब क्या होने वाला है? हम लोग जो एनुअल फंक्शन करते हैं उसमें हर वर्ष एक थीम होता है, तो इस बार का थीम है संस्कार। संस्कार यानी बिहेवियर, हमारा सोच कैसा होना चाहिए, हमारी सोच कैसी हो, हमारा काम कैसा हो, कार्यशैली कैसी हो, इस पर हम लोग इस बार शो करने जा रहे हैं बच्चों के साथ। बच्चे ये दिखलाएंगे कि जब से बर्थ होता है तब से उन्हें किस किस संस्कार, यानी बर्थ संस्कार नहीं, हम प्रणाम करते हैं, हम सामने वाले का आदर करते हैं, हम गुरु को आदर करते हैं, दोस्तों का सहयोग करते हैं, ये जो संस्कार है हम लोग इसको दिखलाने जा रहे हैं। इस बार हमारा विषय संस्कार विशेषकर इसलिए है कि कोविड के बाद जो थोड़ी सी विसंगतियां बच्चों में आई हैं वो वापस से उन्हें याद दिलाना है कि नहीं, ये विसंगतियां सिर्फ कोविड काल में आपने प्राप्त कर ली हैं, इन्हें छोड़िए और वापस अपने संस्कारी जीवन में आइए। संस्कार में पूरा संस्कार, जन्म से लेके जीवन लाइफ में क्या दिखाना है, कैसे रहना चाहिए, ये तमाम चीज़ों पे आप लोग प्रकाश। जी हाँ, एक सक्सेस व्यक्तित्व के लिए क्या जरूरी है और क्या संस्कार होते हैं उनको हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका प्रारूप क्या रहेगा सर, मतलब डांस के माध्यम से, गाने के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कैसे इसको आप लोग करेंगे? सारा मिश्रण है इसमें। हाँ। कुछ कविताएं बच्चे कर रहे हैं, कुछ नाट्य प्रस्तुतियां हो रही हैं, कुछ डांस के माध्यम से कर रहे हैं, कुछ अपने वक्तव्यों से बता रहे हैं, और माने ओवरऑल हमारा मकसद एक ही है कि वो सामने ऑडियंस जो हों या जो और बच्चे हैं उन तक ये बात पहुंच जाए कि हमें संस्कार के बिना सफलता नहीं मिलनी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर सर थे आदित्य विजय जैन सर। और 25 दिसंबर को जिस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है, हालांकि 17वां वार्षिकोत्सव समारोह होगा, बच्चे ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं इस संस्कार पर और संस्कार के बारे में दिखाएंगे। इस विद्यालय में कुछ खास, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमेशा से ही कुछ खास, कुछ अलग हटके किए जाने के लिए जाना जाता है ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय। अब की बार पूरा जो दिखाया जाएगा, 2 घंटा 4 घंटा का जो भी कार्यक्रम हो, उसमें संस्कार के बारे में दिखाया जाएगा कि यदि आप अपने जीवन में सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो उसके लिए कैसा संस्कार आपका होना चाहिए, क्या आप करेंगे तो आपका इम्पोर्टेंस और समाज में बढ़ेगा, ये तमाम चीज़ों पे उस दिन बच्चे नाटक के द्वारा, कविता के द्वारा या अलग अलग डांस के द्वारा, तमाम जो भी अपना रूप स्वरूप होगा उसके माध्यम से लोगों को अवगत कराएंगे। तो देखते रहे समृद्धि न्यूज चैनल और 25 दिसंबर को आप लोग जरूर आए और देखें कि आखिर संस्कार में क्या चीज़ दिखाया जाता है, किस तरह के संस्कार बच्चे अपने अभिनय के द्वारा लोगों को प्रस्तुत करेंगे, दिखाएंगे। धन्यवाद समृद्धि न्यूज चैनल, अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ, थैंक यू। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, ARA. We are happy to announce that we are the first private college in ARA with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs. We have dedicated set of faculties who provide 360-degree support to our students. With total built-up area
of more than 30,000 square feet. We have a rich library with subscription to leading national and international journals and collection of books from reputed authors and publications. Campus is also equipped with latest computers for our computer lab and have 24/7 Wi-Fi facility available around the campus. At JMC, we are offering MBA, 2-year postgraduate business management degree, BBA, which is 3-year undergraduate business management degree, and BCA, which is 3-year undergraduate computer applications degree. All our courses are industry oriented and provide 100% placement opportunities. So it's a great opportunity to be a part of Jinwani Management College, ARA. Thank you.